엄마 본가와 스테라스 오 सत्य का विचार करना इस सृष्टि का सत्य क्या है परम सत्य क्या है उस पर चिंतन करना सत से सत्य है जो है उसका नाम सत है जिसका अस्तित्व है वह सत है यह समस्त अस्तित्व सत्रूप है वह सत्य उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप है जो हमेशा रहता है और हमेशा विविध अवस्थाओं में पलटता रहता है उसका नाम सत है संपूर्ण अस्तित्व
दो प्रकार के पदार्थों से निर्मित है, एक जड़ दूसरा चेतन। जड़ भी सत है, चेतन भी सत है, जड़ का भी अस्तित्व है, चेतन का भी अस्तित्व है। जो ज्ञान दर्शन सुख से रहित है वह जड़ है। जो ज्ञान दर्शन सुख से सहित है वह चेतन है। इस संपूर्ण अस्तित्व में अनंत आनंद जड़ पदार्थ है, अनंत आनंद चेतन पदार्थ है। उन अनंत आनंद जड़ चेतन पदार्थों में से मैं चेतन पदार्थ हूँ। ज्ञान दर्शन सुख मेरा स्वभाव है। जगत में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं वह परमार्थ से स्वतंत्र है, सब अपने कारण से है, स्वयंभू है। कोई किसी पर आश्रित नहीं, सबकी सत्ता स्वतंत्र है, सब अपने आप में परिपूर्ण है। यह संपूर्ण अस्तित्व अपने आप में परिपूर्ण है। इस अस्तित्व का मैं एक चेतन पदार्थ, संपूर्ण अस्तित्व से अलग भिन्न अपने आप में परिपूर्ण हूं। किसी अन्य से मेरा परमार्थ से किंचित भी संबंध नहीं है। इस देह के बाहर जो जो भी है वो मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न है। यह शरीर पौद्गलिक होने से भिन्न है, इंद्रियां जड़ात्मक होने से भिन्न है, आते जाते श्वास पौद्गलिक होने से मुझसे सर्वथा भिन्न है। देह वाणी
इत्यादि से मैं सर्वथा देह में रहते हुए देह में व्याप्त फिर भी देह से भिन्न जिस प्रकार दूध और पानी एक दूसरे से एक मेक हो चुके हैं फिर भी दूध तत्व अलग है पानी तत्व अलग है वैसे ही इस शरीर से मैं एक मेक हो चुका हूं फिर भी मैं चेतन तत्व शरीर जड़ तत्व है दोनों की जाति भिन्न है मेरा कार्य जानना देखना है शरीर ज्ञान का गीत है मैं क्या था जिस प्रकार से दूर पड़ा हुआ पत्थर अपने से भिन्न है वैसे ही इस शरीर से मैं भिन्न हूं ऐसा तत्व निर्णय करना देह के निमित्त से होने वाली जो जो भी विक्रियाएं हैं देह के विकार हैं वो सब मैं नहीं मैं उन विकारों को जानने वाला चेतन तत्व विकारों से भिन्न रोग वेदना रंग रूप इत्यादि शरीर की विक्रिया है मैं इनसे भिन्न तीन काल में मैं और शरीर भिन्न ही है शरीर को अपने से कोई दूर की वस्तु के रूप में अनुभव करने का प्रयत्न करना अपने को मात्र सहज ज्ञान सहज आनंद सहज शांत निराकुल
चेतन तत्व के रूप में स्वीकार करना। इसके अतिरिक्त जो जो भी देहाश्रित वेदना विकार आदि भाव हैं, उनसे मैं सर्वथा भिन्न हूँ। इस देह में सर्वांग में व्याप्त जो शांत स्वरूप है, निराकुल स्वरूप है, सहजानंद स्वरूप है, वह मैं तत्व हूँ। गहन शांति की अनुभूति, देह से भिन्न अपने आप को लक्ष्य में लेना, अनुभव में लेना, उपयोग को सिर से पांव तक सर्वांग में व्याप्त चेतन तत्व की ओर उन्मुख करना। सर्व भावों से उदासीन होकर, निरीह वृत्ति होकर, सर्व शंकाओं को, सर्व संदेहों को, समस्त भयों को, समस्त तनाव को त्याग करके शांत निराकुल स्वरूपस्थ होने का अभ्यास करना।
तो हम Oh.